अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम राशि सियाल है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर गाड़ियों के बारे में मालूमात देते रहते हैं, इसी तरह व्यूअर्स आज हम आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे कि आए आपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करने हैं, इसकी बुक्स पूरी हैं, इसका कोई बुक शॉर्ट तो नहीं है। क्योंकि व्यूअर्स अगर गाड़ी की कोई बुक शॉर्ट हो जाए तो गाड़ी की सेल में मसला आ जाता है। हर बंदा कहता है यार मैंने लाखों रुपए के भरने हैं, मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट चाहिए। वो तो साफ दे रहा गाड़ी के, हालांकि मसला कोई नहीं होता, लेकिन रेट कम करने के लिए गाड़ी का रेट कम हो जाता है। इसी तरह आज हम आपको डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्योंकि व्यूअर्स सारी गाड़ी एक तरफ, गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकी कीमत एक तरफ, अगर इनमें एक डॉक्यूमेंट भी अगर शॉर्ट हो जाए तो आपकी गाड़ी कबाड़े का रेट लगेगा। क्योंकि अगर इसकी इनवॉइस और सेल सर्टिफिकेट ना हो, ये दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। ये चेक करने का तरीका बताएंगे आपको, हमारे साथ रहिए। हाँ तो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे पास एक करोला की फाइल मौजूद है। हर काम करने का व्यूअर्स एक तरीका होता है, आपको बताएंगे कि आपने फाइल देखने से पहले शुरू कहाँ से करना है। आपने व्यूअर्स सबसे पहले इसकी इनवॉइस और सेल सर्टिफिकेट निकालना है क्योंकि वो बहुत अहम होते हैं। ये व्यूअर्स इसकी इनवॉइस है और ये इसका सेल सर्टिफिकेट। पूरी गाड़ी की व्यूअर्स कीमत एक तरफ, इन दो डॉक्यूमेंट्स की कीमत व्यूअर्स एक तरफ, ये बहुत ही अहम होते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि आपने चेक कर लेना है, इनकी एक पहचान होती है, आपने इन्हें लाइट पर चेक करके देखना है कि इनमें जेन्युइन मोरे हैं। जैसे नोट के निशान में एक लाइन होती है और कायदे आजम का वो फोटो नज़र आता है बबाए कौम का, इसी तरह इसमें मोरे होती हैं। लाइट पर करके चेक कर लिया करें इनकी मोरें ठीक हैं। इसके पेपर की चेक कर लिया करें, ये पेपर इसका आम पेपर से अलहदा होता है। इसी तरह इसका पेपर भी बता देता है कि सेल सर्टिफिकेट और इन्वाइस जेन्युइन है कि नहीं। इसी तरह इन्वाइस निकाल कर आपने चेक करना है कि गाड़ी शुरू से निकली किसके नाम पर है। ये देख रहे हैं, ये संजय कुमार के नाम पर निकली है, ये उसका पता आ गया, ये जी इसका इन्वाइस नंबर आ गया। ये जब गाड़ी निकली है 24/11/2016 मॉडल है, GLI है व्यूअर्स। ये देख रहे हैं, ये करोला GLI, जो XLI होगा वहाँ पे XLI लिखेंगे, जो GLI है GLI, और जो अल्टिस है अक्सर होता है, पता नहीं होता, गाड़ी के शीशे वगैरह पावर करवाए होते हैं तो होती XLI है और GLI बना देते हैं। जैसा आपको बताया GLI और XLI के रेट में 1.5-2 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। इसी तरह व्यूअर्स आपने देख लेना है कि गाड़ी किसके नाम पर निकली है, इसकी इन्वाइस के सेल सर्टिफिकेट में भी ऐसे ही मोहरें आती हैं जैसे उसमें इन्वाइस में होती हैं। ये दोनों का डॉक्यूमेंट्स आपने चेक कर लेने हैं, ठीक हो गया व्यूअर्स। ये कलर वाइट है, इंजन नंबर आ गया, इसका चेसिस नंबर आ गया, ये इनवॉइस के साथ मिला लेने हैं। इसी तरह गाड़ी की बुक भी आपने साथ रखनी है, बुक पर देखना है कि गाड़ी की जो पहली बुक है वो किसके नाम पर निकली हुई है। ये देख रहे हैं, ये संजय कुमार के नाम पर निकली है, ये जी इसका फर्स्ट ऑनर है। इसी तरह व्यूअर्स जब गाड़ी ट्रांसफर होती है तो उसके साथ एक स्टाम्प लगाया जाता है, सेल ट्रांसफर डीड, जिस पर पुराना मालिक होता है उसे बताया जाता है कि इसने राशिद को गाड़ी सेल कर दिया। इसी तरह व्यूअर्स जो गाड़ी सेल करेगा उसके आईडी कार्ड की कॉपी चेक कर लेनी है, उसके आईडी कार्ड की कॉपी लाजमी साथ लगी होनी चाहिए। और व्यूअर्स गाड़ी की आपको जैसे बताया था कि आपने बुक कैसे चेक करनी है कि आया गाड़ी की बुक्स कम्प्लीट हैं, तो ये देख रहे हैं इन्वाइस पर ये बुक नंबर होता है, ये जो इसकी पहली बुक निकलती है उसका नंबर इन्वाइस पर दिया जाता है। इसी तरह आपने गाड़ी के नंबर को मिला लेना है, जो गाड़ी का फर्स्ट ओनर है आया वो उसका नंबर और उस बुक का नंबर एक है। अगर ये नंबर एक है तो मतलब ये उसकी पहली बुक है, ठीक हो गया। अगर एक ये स्टाम्प आ जाता है, इसी तरह ये टोकन की रसीद होती है, ये चेक कर लिया करें कि आया गाड़ी का टोकन कहाँ से कहाँ तक पेड है, इसमें कितना टैक्स है, देख रहे हैं। इसी तरह जो गाड़ी अब ट्रांसफ़र हुई है इनके नाम पर हुई है, पहले ये संजय कुमार के नाम थी। व्यूअर्स इसका TO फॉर्म आ गया, इस पर भी गाड़ी की डिटेल दी जाती है, जब ये मॉडल है, ये भाई अब इन भाई के नाम पे हो गई है। ये व्यूअर्स इसका नंबर प्लेट का लगा हुआ है, जिस गाड़ी की नंबर प्लेट इशू नहीं हुई होती तो वो एक लेटर लगाते हैं साथ, नॉट, देख रहे हैं नंबर प्लेट नॉट इशू, यानी कि अभी पीछे से ही इस गाड़ी की नंबर प्लेटें नहीं आई, नंबर प्लेटें मिसिंग होती हैं और कह देते हैं जी इशू नहीं, तो ये लेटर ज़रूर चेक कर लिया करें, जिस गाड़ी की नंबर प्लेटें इशू नहीं होंगी तो ये लेटर ज़रूर लगा होगा, ठीक हो गया व्यूअर्स। और डॉक्यूमेंट बुक वाला सिस्टम व्यूअर्स ख़त्म हो गया, आप देख रहे हैं स्मार्ट कार्ड आ गया, जैसे पहले होता था जो भाई जैसे बुक गुम हो जाती थी, बुक गुम होने वाला बड़ा मसला होता था क्योंकि लोग पुरानी बुक इतना संभाल कर नहीं रखते तो गुम हो जाती हैं,
आपने गाड़ी कैसे चेक करनी है कि आया गाड़ी के डॉक्यूमेंट ठीक हैं, गाड़ी के साथ मिलते हैं। इसका भी तरीका ये होता है कि आपने गाड़ी की इनवॉइस और बुक जो होती है, इनका जो नंबर होता है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, फ्रेम नंबर होता है, अच्छा ठीक है ना, आपने उसकी बुक के साथ और सेल सर्टिफिकेट के साथ जरूर मिलाना है। ये बहुत अहम होता है। अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स कुछ और होते हैं और गाड़ी कुछ और होती है, तो वो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि ये चीज़ें आप जरूर चेक किया करें। कैसी लगी व्यूअर्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।